डिजिटल अरेस्ट मत होना, जो डर गया समझो लुट गया। आपके पास फोन या वीडियो कॉल आएगा कि आपके आधार कार्ड, सिम, एटीएम कार्ड या बैंक खाते का उपयोग आपराधिक गतिविधियों के लिए किया गया है। इसके बाद कॉल नकली पुलिस अधिकारी को ट्रांसफर कर दी जाती है। ठग महाशय बैकग्राउंड में पुलिस स्टेशन या दफ्तर जैसा सीन भी क्रिएट किए होते हैं, जिससे आप इसे हकीकत समझें। वीडियो कॉल में लंबे समय तक ऑनलाइन रहने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसे डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। इस दौरान गिरफ्तारी का डर दिखाकर वसूली कर ली जाती है। नोएडा में एक महिला 8 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रही और करीब 11 लाख रुपए ठगों को ट्रांसफर कर बैठी। फरीदाबाद में एक महिला को 2.5 लाख रुपए की चपत लगी। गाजियाबाद में एक व्यक्ति के पास तो पुलिस के आईजी प्रेम प्रकाश के नाम से वीडियो कॉल आई। इसमें एआई की मदद से प्रेम प्रकाश के चेहरे और आवाज का उपयोग किया गया। ऐसे में क्या करें, जान ना पहचान तो अनजान नंबर वाली वीडियो कॉल क्यों उठानी रे? डरने का बिल्कुल नहीं, पुलिस कभी भी ऐसे नहीं धमकाती और न ऐसे वसूली करती। पुलिस तो सीधे आपके घर पे आ धमकेगी बाबा। फोन पे, खाते, पैन कार्ड, आधार की जानकारी किसी को भी मत देना। किसी के कहने पे कोई ऐप डाउनलोड ना करना, ना किसी लिंक पे क्लिक करना। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो घर वालों, दोस्तों, लोकल अथॉरिटी को जरूर बताने का। तो दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट मत होना, जो डर गया समझो लुट गया।